हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्रामुल्फियर 100X का। और आज का जो आर्क प्रामुल्फियर 100X का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रस्ट या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना। तो पिछले एपिसोड में गाइस आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने जो है ना गाइस यहां पे एक क्योस डोडो वाइब्रेंट टेम करा था। एंड वो भाई स्पिरिट डोडो वाइब्रेंट की तरह गाइस इतना पावरफुल नहीं था कि उससे हम कोलोसिस बॉसेस को मार सके, बट फिर भी हमने जो है ना गाइस यहां पे स्टैंडर्ड बॉस की पुंगी जो है गाइस वो उससे बजाई थी। फिर उसके बाद हमने कुछ सिलेस्टियल वाले डायनोस को इवोल्व करने का काम जो है गाइस वो भी कल वाले एपिसोड में करा था। अभी आज का जो एपिसोड है इसके शुरुआत में, पिछले कल वाले एपिसोड के शुरुआत में हमने सिलेस्टियल डायनो को इवोल्व करा था। आज के इस एपिसोड के शुरुआत में हम इवोल्व करेंगे गाइस कुछ खतरनाक एंड पावरफुल से डिमोनिक वाले डायनोज को। डिमोनिक में मैक्सिमम डायनोज जो है गाइस मैं वो इवोल्व कर चुका हूँ, बट उसमें से स्टिल कुछ डायनोज जो है गाइस जैसे बचे हुए जिनको इवोल्व हम लोग ने करानी है। लाइक हमारे पास मोरेलेटॉप्स बचा है, हमारे पास हाइनाडोन बचा, अपने पास डियोड। एक काम करते गाइस, आज थोड़े नल्ले डायनोज को इवोल्व कर लेते। नल्ले डायनोज में कौन आता? हाइनाडोन, डियोडोन, फॉलन डिमोनिक में नहीं, ये नहीं आता भाई। रोल राइड भी नहीं आता, शायनोन, इक्विस भी, इक्विस नल्ले डायनो में आता है क्या? नहीं, इक्विस को भी मैं इवॉल्व कर चुका हूँ। ग्लोडेल भी नल्ले डायनो में आती नहीं है, या आती है? ग्लोडेल के पास भाई गोल गोल घूमने वाला ही तो अटैक है ना खाली। बल्बडॉग को, बल्बडॉग को तो शायद से मैंने इवॉल्व कर दिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, मेरे पास फॉलन, अच्छा ये वाला बल्बडॉग वो वाला है अपना, ठीक है इसको रहने दो। चलो पैरासोरस को इवॉल्व करना बाकी है, टेरर बर्ड, बंदर को इवॉल्व कर चुके हैं, और कैप्रोसुचस, ठीक है। सो मैं तीन डायनोज को डिमोनिक वाले आज इवॉल्व करने वाला हूँ, जिसमें से दो तो डायनोज भाई नल्ले ही हैं, जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। बेचारे भाई बुरा मान जाएंगे यार, इनको नल्ला विल्ला बोल रहा है भाई, ये बोलेंगे भाई बेइज्जती कर रहा है, बट क्या करेगा इस, हमारे डायनो है ये यार, ये नल्ले क्या कर सकते बताओ। ये ग्लोडेल के पास भाई सैडल नहीं है क्या? नहीं है, तभी मैं बोलूँ इसका सैडल मेरे इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, इसके अंदर नहीं डाल रखा मैंने। सो आज गाइस हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन डिमोनिक डायनोस को इवॉल्व करने का काम करने वाले। डिमोनिक डियोडॉन, डिमोनिक हाइना और डिमोनिक वाली चुटकू ग्लोटेल। सो सबसे पहले बारी आते, चलो जैसे भाई मैंने इनको लाइन से लगा के रखा वैसे इनको इवॉल्व करता हूँ। सो सबसे पहले बारी आते गाइस हमारे डिमोनिक वाले डियोडॉन अंकल जी की, ठीक है। तो हमारे डिमोनिक वाला जो डियोडॉन है गाइस, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे इवॉल्व करने वाले, तो इसका सैडल जो है गाइस वो फटाक से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। एंड डिमोनिक वाले ये डायनोस को मैं नल्ला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके पास ना वैसा कोई स्पेशल अटैक नहीं है जिससे मैं डायनोस की ना बैंड बजा सकूँ। मतलब बर्निंग डैमेज देते हैं ना दूसरे डिमोनिक डायनोस, ये डायनोस के पास बर्निंग डैमेज देने वाले कोई भी अटैक नहीं है। अपने डिहोडोन जो गाइस क्या कर सकता है ना, वो मैं आपको अभी थोड़े टाइम में बताता हूँ। पहले तो इसको मस्त बेकी जो ना मुझे यहाँ पे इवॉल्व करने दो। सो इसको गाइस हम लोग अभी यहाँ पे इवॉल्व करने वाले इन 1 2 3 लेट्स गो बॉयज। ये गाइस यहाँ पे डिमोनिक वाला हमारा मोटा सा डियोडॉन जो है गाइस वो इवॉल्व हो चुका है। अभी गाइस डियोडॉन को पहले तो गाइस आपको बताइए, इवॉल्व करने के तुरंत बाद इसको हम लोग को क्रायो कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है गाइस मुझे एफएम के वाला पोशन डाल देना है गायब। लेट्स गो, ठीक है। क्या ना कभी कभी कुछ कुछ भाई डायनोज ऐसे होते हैं वर्ल्ड वाले जो एफएम के पोशन भाई खाने के बाद भी गायब नहीं होते, तो इसलिए मैंने ये करा। डिमोनिक फॉलन डिओड, फॉलन ना, फॉलन डिमोनिक डिओडन, ये रहा गाइस अपना डिमोनिक डिओडन, इसको रिवाइव कर लिया है मैंने। इसको भी मैं इम्प्रिंट नहीं कर सकता, इम्प्रिंटिंग पोशन खाने के बाद गाइस ये डायरेक्टली गायब हो रहा है। बट गाइस पहले जो डिमोनिक डिओडन का लुक था ना, उससे तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अभी हमारा ये वाला डिमोनिक फॉलन डिओडन जो है गाइस वो लग रहा है गोल्डन प्लस ब्लैक कलर का गाइस कॉम्बो। प्लस भाई इसके मुंह पे देख रहे हो किस तरीके से आग लगी हुई है, इसके पूछ पे, हाँ इसके पूछ पे भी आग लगी है और इसके मुंह पे भी आग लगी है, जिसमें से काला काला धुआं निकल रहा है। बाकी इसके मैं अटैक आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि खास कोई अटैक जो है ना वो हमारे डिओडॉन के पास नहीं है। इसके पास है ये देखो, इस तरीके से बाइट करने वाला अटैक, उसके बाद ये हील वाला अटैक है गाइस, अटैक नहीं, हील करता है खुद को दूसरे अपने डायनोस को। उसके बाद है ऐसे ऐसे करके मुँह से फायर छोड़ने वाला अटैक, ठीक है, जो कि आई थिंक से वर्क नहीं कर रहा होगा। एंड इसके अलावा और कोई भी किसी भी तरह का अटैक जो है
वो हमारे डिओडोरेंट के पास नहीं है, इसलिए गाइस मैं इन डिओडोरेंट्स को जो ना नल्ला डिओडोरेंट बोलता हूँ, क्योंकि मतलब ये जो डायनो है हाइना और डिओडोरेंट, इनको मैं नल्ले डायनो बोलता हूँ, क्योंकि इनके पास जो ना गाइस कोई स्पेशल अटैक है ही नहीं जिससे हम लोग बैंड बजा सके दूसरे डायनोस की, ठीक है। मतलब बर्निंग अटैक, बाइट वाला अटैक तो है, फायर अटैक जो है गाइस वो शायद से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको बताइए लेवल अप करने के बाद फायर अटैक और दूसरे जो अटैक्स होते हैं वो ग्लिच हो जाते हैं यहाँ पे। चलो मैं एक काम करता हूँ, मुझे थोड़े डायनोज को मारना पड़ेगा ताकि मेरे मैक्स लेवल अप जो है ना गाइस हमारी छोटू से डिओडोन की हो सके। मैक्स लेवल अप के लिए बस दो और लेवल अप चाहिए। चलो आ जाओ, रुक जाओ, थोड़े छोटे से हाँ इसको मार लेता हूँ, रुको दो डायनो को मार दूंगा ना तो मेरी लेवल अप हो जाएगी मैक्स सीधा। फिर आपको दिखाता हूँ हमारी डिओडोन का डैमेज कितना जा रहा है। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये डिओडोन ना शायद से ओरिजिन तक को ना मार पाए, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख लेना, क्योंकि पिछली बार डिओडोन से ओरिजिन को मारने में हम लोग की जो ना कि बैंड बज गई थी। अभी इस बार थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन है तो इस बार तो थोड़ा सा भाई ईजी रहेगा, देखते हैं। चलो मैं फटाफट से अभी इसको मैक्स लेवल अप कर लेता हूँ। अरे यार एक लेवल चाहिए, बस एक लेवल यार, इसको फायर अटैक से मारूँ, इलेक्ट्रिक वाला पैरेट उड़ रहा है, इसको अपने फायर अटैक से पेल देता हूँ। पेल आ गया, मर गया मर गया मर गया, इसको हार्वेस्ट कर लूँगा तो मैक्स लेवल अप आ गई गाइस, ठीक है। चलो लेट्स गो, इसकी हेल्थ जो है गाइस वो हम लोग करेंगे बस ओनली 100 बिलियन, 82 पॉइंट इसका डैमेज ज़्यादा जाना चाहिए, इसलिए गाइस 82 पॉइंट मैं इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ, ताकि हमारे फॉलन डिमोनिक डिओडोरेंट का जो डैमेज है ना वो एकदम तगड़ा वाला यहाँ पे चला जाए, इसलिए इसके जो है गाइस मिली डैमेज में दबा के पॉइंट में यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये हो गया गाइस हमारा डिओडोरेंट रेडी, पावर अप कर लेता हूँ इसको, ठीक है। सो ये हमारा नल्ला डिओडोरेंट जो है गाइस वो रेडी हो चुका है। अभी गाइस फटाफट से क्या हो गया, भूख लगी इसको या ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं, माइनस में बाइट अटैक तो जा रहा है जिसका, इसका जो गाइस यहाँ पे बाइट वाला अटैक है माइनस में जा रहा है, फायर अटैक आई थिंक से ग्लिच हुआ होगा यहाँ पे शायद से, रुको हुआ है क्या ग्लिच, यस फायर अटैक जो है गाइस ग्लिच है, फायर अटैक इतना बड़ा मैंने फायर अटैक डाला है, देखो ये देखो मुंह से आग छोड़ रहा हूँ मैं, लिटरली मुंह से हर तरफ आग छोड़ रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इनको बर्निंग डैमेज पड़ रहा है वो मेरे पावर अप के रीजन से पड़ रहा है, मैंने जो पावर अप कर रखा है ना उस रीजन से इनको बर्निंग डैमेज पड़ रहा है। मेरा फायर अटैक जो है गाइस वो ग्लिच हो चुका है। अभी हमारे डिओडोन के पास सिर्फ एक ही अटैक है जो कि है गाइस यहाँ पे बाइट वाला अटैक, ठीक है। अभी इसको मैं नल्ला क्यों बोलता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें गेम की कोई गलती नहीं है, गेम ने बस इसका फायर अटैक ग्लिच करा है जो कि सारे डायनोज का हो रहा है, बाकी गेम की यहाँ पे और कोई गलती नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो गलती है वो खुद डिओडोन की है, ये इतना ज्यादा नल्ला है ना कि क्या बताओ मैं आपको। मैंने यहाँ पे एक रेक्स देखा टायरेनोसोरस रेक्स स्केलेटन वाला, तो बम डाल रहा भाई भाई, उसके बम का इफेक्ट यहाँ तक पड़ा, आप भी जाकर पहल के आ जाओ क्या, ओ इफेक्ट देख रहे हो, एंटर नहीं हुआ अभी तक मैं उसके इफेक्ट में, ठीक है। चलो आ जाओ इसकी बैंड बजा के आते, अरे डैमेज पड़ने लग गया भाई, रुक जाओ भाई इसकी इसकी बैंड बजाते हैं भाई, किस रेक्स की बैंड बजाते, आग लगा रहा है, आग लगाएगा बेटा, आग लगाएगा बेटा, आग लगाए, अच्छा आग लगाए, उससे पहले तो मैं मार नहीं पाया उसको, लेकिन मार दिया गाइस, उसके बर्निंग अटैक में हम लोग जल के खाक नहीं हुए। चलो अभी चलते फटाफट से डिओडोन को लेके पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पे अगर ये एक ओरिजिन को भी मार लेना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात रहेगी, क्योंकि इसका भाई इवोल्ड होने से पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें इसने एक ओरिजिन स्पाइनो को मारने के लिए 10 मिनट लिए थे। अभी देखते इस बार कितना टाइम लेता है, मैं बुला रहा हूँ इस ओरिजिन स्पाइनो को बन सके। अबे रैप्टर के बच्चों हटो रे, कितना हेल्थ है, 54 बिलियन हेल्थ है इसका। मेरा बाइट अटैक इसके ऊपर पड़ेगा 1.8 बिलियन का, ठीक है, मतलब 18 बिलियन जो है मेरे डिओडोन का बाइट अटैक है, 18 बिलियन का नॉर्मल डायनोस के ऊपर, बॉसेस के ऊपर वो 1.8 बिलियन का जाता है, क्योंकि बॉसेस जो है गाइस उनको आपको बताइए डैमेज जो है गाइस वो थोड़ा सा रिडक्शन मिलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलता है एक्चुअली में। और गाइस डिओडोन ने इसको काफी ज्यादा आसानी से मार दिया, ठीक है, पिछली बार जो ना गाइस डिओडोन को एक ओरिजिन को मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, इस बार उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, विद इन 1 मिनट जो है गाइस मैंने ओरिजिन वाले स्पाइनो की बैंड यहाँ पे बजा दी है। रेक्स गाइस रुको, मैं रेक्स को बुलाऊंगा, रेक्स को बुलाते आ जाओ भाई, रेक्स के अगेंस्ट जो ना गाइस यहाँ पे अपने इस डिओडोन को हम लोग उतारेंगे। रेक्स के ऊपर कितना डैमेज पड़ रहा है, 1.4 भाई, रेक्स के ऊपर और कम डैमेज पड़ रहा है, रेक्स देख रहे हो गाइस कैसे मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिओडोन अभी इतना पावरफुल हो चुका है इवोल्व होने के बाद कि ये ओरिजिन को जो है ना गाइस एटलीस्ट ओरिजिन को तो मार सकता है, ओरिजिन के ऊपर के टायर के डायनोस को मारना इस डिओडोन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं ओरिजिन रेक्स वगैरह को जो है ना गाइस इजीली मार दूंगा। ये लोग रेक्स जो है गाइस वो भी मरने में जमाए,
ज्यादा टाइम तक हमारे रेग्स जो है गाइस वो यहाँ पे टिक नहीं पाए। रेग्स बेटा मस्ती नहीं, चलो खत्म। अभी रेग्स से ज्यादा हाई टायर वाले बॉसेस को ना हम हमारे डिओडॉन से मार नहीं सकते। सो इसलिए भाई डिओडॉन को लेके जो ना गई चुपचाप से मैं घर पे जाता हूँ और हमारा जो अगला डायनो है उसको इवॉल्व करके उसकी पावर आपको दिखाता हूँ। ये सीन क्या है भाई, ये माउस क्यों दिख रहा है मेरे को यहाँ पे? वो चला गया भाई, माउस दिख रहा था भाई स्क्रीन पे अचानक से। ठीक है चलो लेट्स गो भाई। मोटा, अच्छा ये मोटा नहीं है भाई, गेट में से निकल गया। बॉस ने अंडा दिया, देख रहे हो यहाँ पे बॉस ने अंडा दिया ड्रैगन ने, अच्छी बात है। चलो तो डिओडॉन को गाइस हम लोग अभी यहाँ पे रखते हैं। डिओडॉन का इवोल्यूशन निकल चुका है, इसको पावर डाउन कर लो थोड़ा सा। अभी अगले डायनो की बारी है जो है गाइस हमारा हाइना। हाइना जो है ना गाइस वो सिम डिओडॉन का भाई है। हाइना के पास भी और कोई अटैक नहीं है वाइट अटैक और फायर अटैक के अलावा। और देखते अभी भाई तेरे को क्या हुआ है भाई, पता नहीं अरे अजीब सी भाई हरकतें कर रहा है अपने डिओडॉन। मैं इसका सैडल पहले निकालता हूँ, इसके अंदर हम लोग डालेंगे गाइस यहाँ पे आराम से इवोल्यूशन वाली सोल। एंड इसको कर रहा हूँ मैं गाइस अभी इवॉल्व डिसेंड फॉलन, नहीं फॉलन डिमोनिक हाइनाडॉन में। फटाफट लाइक कर दो गाइस, 1 2 3 ये हो गया, ये हो गया हमारा हाइना। लेट्स गो बॉयज, ये हो गया हमारा ओपी सा हाइना जो है गाइस वो इवॉल्व। रुको पहले क्रायो, क्या ये इम्प्रिंट हो पाएगा या फिर इम्प्रिंट पोशन डालते ही ये गायब हो जाएगा? चलो जब देखते हैं, ये इम्प्रिंट होता है या इम्प्रिंटिंग पोशन डालते ही गायब होता है? गायब, अरे भाई इम्प्रिंटिंग पोशन डालते ही गाइस डायनो गायब हो रहे भाई, क्या ही बोले। साइड लाइफ भाई रुक जाओ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉलन। फॉलन में जो है ना गाइस आ जाएगा इजीली, फॉलन डिमोनिक है ना, ये रहा गाइस अपना फॉलन डिमोनिक है ना। ये सारी चीज़ें मुझे फेंकनी, तो मेरे इन्वेंटरी में कुछ ज़्यादा कचरा भरा पड़ा है भाई। मैं जो डायनो यूज नहीं करता ना उनको भी मुझे शायद से सोल टर्मिनल के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि मेरे इन्वेंटरी में लगातार कचरे की जो है ना गाइस वो मात्रा बढ़ते जा रही है। ये देखो भाई फालतू में भाई भाई ट्रिब्यूट ओरिजिन वाले इतने ट्रिब्यूट क्या कर रहे हैं मेरे इन्वेंटरी में? रुको ये सारे के सारे यहाँ पे डालने दो फटाफट से। यहाँ पे ब्लड है ना, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, मैं इस ब्लड की मदद से नारकोटिक बनाता हूँ और उससे आरो बना लेता हूँ मैं ओरिजिन वाले। ठीक है ओरिजिन वाले आरो बना लेते हैं। हाइना को इवॉल्व कर दिया गाइस मैंने और उसको रिकवर भी कर लिया है, मौत को चुके रिटर्न आ चुका है अपना हाइना। 7 एरो ठीक है चलो डन। अभी गाइस मैं हाइना को बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है सो ये रहा हमारा फॉलन डिमोनिक हाइना। इसके ऊपर डायरेक्ट राइड भी कर सकता हूँ बट मैं इसके ऊपर यहाँ पे सैडल लगा देता हूँ। ठीक है सो ये रहा गाइस अपना हाइना। हाइना की भी भाई आप यहाँ पे लुक देख सकते हो कि अपना हाइना जो है गाइस वो कैसे दिख रहा है भाई। इसके ऊपर ये हॉर्न जो है गाइस वो इसके रेड कलर के हो गए, पहले शायद से ब्लैक कलर के थे ना, अभी रेड कलर के हो चुके हैं। और डिमोनिक वाले डायनो का लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, गोल्डन प्लस ब्लैक कलर का कॉम्बो भाई ज़बरदस्त लगता है। आप देख पा रहे हो क्या, हमारा हाइना भी काफ़ी खतरनाक लग रहा है और इसके अंदर से जो आग निकल रही है ना देखो चलते हुए इसको फॉलो कर रही है भाई आग, भाई खतरनाक भाई खतरनाक। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है इसके पास वाइट अटैक और रुको भाई पानी में गिर गया बेचारा, भाई बेचारा पानी में गिर गया, रुको ऊपर लेके जाता हूँ मैं। इसके पास बाइट अटैक और फायर अटैक के अलावा और कोई अटैक जो है गाइस वो है नहीं अपने इस हाइना के पास। और जब हम लोग इसको इवॉल्व करेंगे तब उसका फायर वाला जो अटैक है, इवॉल्व मतलब लेवल अप करेंगे जब हम लोग इसको, तो इसका फायर वाला जो अटैक है वो भी हो जाएगा यहाँ पे गायब। इसके पास जंप एंड बाइट वाला भी एक अटैक है, बस उसका डैमेज भी सिमिलर हाँ सेम पड़ता है, सेम पड़ता है दोनों भाई अटैक का डैमेज सेम ही। और फायर वाला अटैक का कैसे, इसका फायर वाला अटैक अभी से मुझे लगा अभी से डिसेबल हो गया क्या? नहीं अभी तो वर्क कर रहा है, अभी 7 मिलियन का डैमेज दे रहा है बट थोड़े डैमेज जो ना कैसे भाई यार ये क्या है भाई, कभी कभी लग रहा है मेरा फायर अटैक कभी कभी लग नहीं रहा, पता नहीं यार क्या सीन चल रहा है। खल्लास भाई सारे बर्ड्स वगैरह को मार मार के गाइस हम लोग को यहाँ पे लेवल अप करने को सबकी बेटी बनाएगा तेरा भाई। ठीक आई थिंक से मेरी मैक्स लेवल अप जो है गाइस वो हो चुकी होगी, मैं देख लेता हूँ। यस मैक्स लेवल अप हो चुके हैं, मैं अपनी हेल्थ जो है गाइस वो कर लेता हूँ 100 बिलियन 83 पॉइंट में इसकी मिली डैमेज में डाल रहा हूँ। ये क्या कर रहा है लेवल अप पे गाइस, एक मूव कर रहा है क्यूट सा, देख रहे हो अबे भाई डॉगी की तरह कर रहा है भाई ना, क्यूट लग रहा है गाइस देखना, देखो भाई कितना क्यूट लग रहा है भाई ना, देखना भाई उल्ली उल्ली भाई हमारा क्यूटी क्यूटी पाया है ना। चलो इसकी मिली डैमेज में दबा के पॉइंट डाल देता हूँ मैं भाई। ठीक है भाई मैंने 83 पॉइंट इसके मिली डैमेज में डाले, इसका डैमेज जो है गाइस वो
मुझे पता है माइनस ही जाएगा। बाइट वाला अटैक माइनस, और फायर अटैक आई थिंक से ग्लिच, फायर अटैक ग्लिच, जस्ट बॉयज फायर अटैक जो है तो इसका ग्लिच हो चुका है। ठीक है देखो, फायर अटैक का कोई डैमेज नहीं है, बट जो बाइट अटैक है उसका माइनस भी डैमेज जा। ठीक है मैं इसको पावर अप कर लेता हूँ, लेट्स गो। पावर अप होने के बाद भाई ये हाइना दिखने में तो काफी खतरनाक, ये देखना किस तरीके से इसको आग फॉलो कर रही है भाई, जबरदस्त लगता है ना। काश अगर इसके पास कोई बर्निंग अटैक देने वाला भाई मूव होता ना तो मजा आ जाता भाई, सच में काफी खतरनाक डायनो बन सकता था। बट इसके पास कोई भी स्पेशल अटैक नहीं है अपने इस बाइट अटैक के अलावा। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे किसी ओरिजिन को बुला के आपको इसका डैमेज वगैरह टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये आ गया अपना ओरिजिन स्पाइनो, हेल्थ है गाइस 53 बिलियन, और मेरा जो अटैक है 14 है, नहीं ज़्यादा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जा रहा है भाई, 4 बिलियन, मतलब 40 बिलियन का डैमेज गाइस हमारा ये हाइना दे रहा है, 40 बिलियन, वो अपने भाई मोटे से डिओडॉन से ज़्यादा डैमेज गाइस अपना ये हाइना दे रहा है। लियो खत्म भाई ओरिजिन भाई, इसका डैमेज वो भाई मोटू से डिओडॉन से ज्यादा है भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रुको सारे ग्राउंड वाले गाइस ओरिजिन बुला रहा हूँ मैं, सारे ग्राउंड वाले ओरिजिन को एक साथ मारूंगा मैं बाइट अटैक से। फायर अटैक वर्क नहीं कर रहा है तो सिर्फ बाइट अटैक से मारना है। डियर तो मर ही गया, डियर भाई लो कार्नो गया, कार्नो का दिन मर गया, डियर भी मर गया, मार रहा है भाई आई नो, देख रहे हो गाइस मार रहा है ना। ग्राउंड वाले ही भाई ओरिजिन को इसलिए बुलाए क्योंकि आई ना अपना भाई फ्लायर्स को मार नहीं पाएगा उड़ उड़ के, इसलिए मैंने जो ग्राउंड वाले जितने भी ओरिजिन है सबको बुलाओ, सबको इसने बड़े आसानी से मार दिया भाई, मजाक थोड़ी है। कौन है भाई? अच्छा मेरे ऊपर एग्रो हो रखे है भाई, हाँ ओरिजिन बुलाए थे ना मैंने तो ये ओरिजिन के चेले बन चुके और मेरे ऊपर एग्रो हो चुके, सबकी बेटी बनाएगा, सबकी बेटी बनाएगा दे रहा भाई। निकल, लाड़ में हमला करने के लिए आ रहे हैं भाई, कितने डायनो को बुलाया है वो, कितने सारे डायनोस को बुलाया ओरिजिन ने, पानी के अंदर से भी बुला लिया है। ठीक है चलो बहुत हो गया, अभी सीधा सीधा हम लोग घर पे चलते हैं और आखिरी जो हमारा आज के एपिसोड का भाई डिमोनिक डायनो है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। इसका भाई बाइट वाला अटैक उतना ज्यादा भाई मतलब बुरा भी नहीं है, काफी बढ़िया लगा मुझे इसका बाइट वाला अटैक। बाकी आप बताना आपको हाइना और डिओडॉन में से कौन अच्छा लगा। ओके अभी गाइस मैं आपको इन तीनों डायनोस में सबसे ज्यादा पावरफुल जो डायनो है उससे भाई मिलाने वाला हूँ, जो हमारी शाइनॉन है। इसके पास भी कोई स्पेशल अटैक नहीं है गाइस, शाइनॉन नहीं, इसका नाम क्या है, ग्लूटेल, इसका नाम ही भूल गया था मैं, इसका नाम ग्लूटेल है गाइस। ठीक है सो अभी मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी ग्लूटेल से। पहले भाई ग्लूटेल को जो ना गाइस इवॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से सोल ले लेता हूँ, और अपनी ग्लूटेल को भी जो ना गाइस फटाफट से हम लोग यहाँ पे इवॉल्व करेंगे। ठीक है इसका सैडल में निकाल लेता हूँ, ये चला गया भाई इवोल्यूशन वाली सोल इसके अंदर, एंड अब इसका हम लोग इवोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे इसको करते डिसेंट डायनो, ये बनेगी फॉलन डिमोनिक ग्लूटेल इन 1 2 3, हियर वी गो भाई, गोल गोल घूम घूम के इवोल्यूशन निकल रहा है इसका, हो गई क्या आग तो लगी हुई, ओ यस ये रह गई सवारी चुटकू ग्लूटेल यहाँ पे भाई, इसका भी लुक काफी बढ़िया। और ये जो तीनों डायनोज है ना इसमें हमारी ग्लूटेल ही जो ना सबसे ज्यादा पावरफुल भाई होने वाली है साबित। ठीक है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये गायब भाई, हाँ मुझे लगा एक टाइम के लिए कि ग्लूटेल गायब नहीं हुई है, लगा मुझे क्योंकि थोड़ा उसने भाई वो करा था पॉज लिया था, मुझे लगा भाई ग्लूटेल जो है ना गाइस वो इम्प्रिंट हो गई, बट एंड मोमेंट पे भाई वो गायब हो गई। चलो कोई ना मैं यहाँ पे फॉलन डिमोनिक ग्लूटेल, ठीक है कॉस्ट्यूम जो है गाइस जो सारे के सारे फेंक लूँ, उसके बाद हमारी प्यारी सी जो ग्लूटेल है इसको हम लोग यहाँ पे बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर जो है गाइस हम लोग लगा देते हैं सैडल, और जो हमारी ग्लूटेल है गाइस ये भी यहाँ पे इम्प्रिंट नहीं हो सकती, मतलब आज हमने तीन डायनोस को टेम करा, तीनों में से कोई भी डायनो गाइस यहाँ पे इम्प्रिंट नहीं हो सकता है। ठीक है इवॉल्व तो कर ले, लेकिन इम्प्रिंट नहीं हो पाएंगे ये लोग, बाकी दूसरे जो दो हमारे डिमोनिक फॉलन डायनोस थे उनके तरह इसका भी लुक गोल्डन एंड ब्लैक कलर में है, लेकिन इसके पास अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाले, मैं आपको इसके अटैक जो है ना गाइस वो दिखा देता हूँ। और इसकी एक और एबिलिटी है जो है गाइस यहाँ पे उड़ उड़ के इस तरीके से ग्लाइड करके उड़ने की है, देखना भाई किस तरीके से उड़ उड़ के जा रही है भाई अपनी ग्लूटेल, देख रहे हो गाइस, ये आई बिलीव आई कैन फ्लाई, ये ग्लाइड करती है, उड़ती नहीं है ये, एक्चुअली में इस तरीके से ना ग्लाइड कर करके चलती है, इससे जो ना गाइस काफी ज्यादा लंबा फासला जो ना तय कर पाती है काफी ज्यादा स्पीड में, देखना लेट्स गो बॉयज काफी खतरनाक है अपनी चुटकी बोल। चलो इसको भी गाइस मुझे मैक्स लेवल करना है, सो फटाफट से कुछ डायनोस को मार के इसकी लेवल अप जो है ना गाइस वो 88 करनी पड़ेगी, कितनी लेवल अप 70 हो चुकी है ना,
18 और लेवल अप चाहिए गाइस इसको, उसके लिए कुछ बड़े बड़े डायनोस को मारना तो पड़ेगा। और मुझे नहीं लग रहा यहाँ कोई बड़े डायनो बचे हुए हैं, इनको मारने से हो जाएगी। 70 है भाई अभी तक, अभी तक 70 है। ओ अल्फा बीडी को मार लेता हूँ, हो जाएगा शायद। ओ मैं आपको इसके अटैक दिखा देता हूँ, हमारे ग्लोटेल के पास कौन कौन से अटैक है। सो ये जो हमारी छोटू सी ग्लोटेल है, इसके पास है गाइस यहाँ पे बाइट वाला अटैक, उसके बाद जीप बाहर निकाल के गाइस यहाँ पे बाइट करने वाला अटैक है, ठीक है, जीप से मारने वाला अटैक। उसके बाद सिर्फ है ऐसे गोल गोल घूम के मारने वाला अटैक है जो इसका स्पेशल अटैक है। और इतने तीन अटैक जो है गाइस हमारी चुटकू सी ग्लोटेल के पास है, ठीक है। अभी गाइस मैं फटाफट से 85 ये लो एक्सपी पोशन ले ले भाई, इसके 100 बिलियन हेल्थ करूंगा और 80 पॉइंट जो है गाइस वो मैं इसके मिली डैमेज में डाल दूंगा। 80 प्लस पॉइंट जो है गाइस हम लोग फॉलन डिमोनिक ग्लोटेल के मिली डैमेज में डालने वाले। देखते हैं हमारी ग्लोटेल का जो डैमेज है वो यहाँ पे कितना जा पाता है। ग्लोटेल तबाही मचानी है तेरे को, तबाही, ठीक है, ठीक है बेटा। माइनस में डैमेज बोल दे बॉयज। भाई जीप वाले भाई वो टंग से मारने वाला अटैक का भी माइनस में डैमेज जा रहा है, वो पावर अप नहीं कर रहा है। रुको इसको चुटकी को पावर अप कर लूं मैं, ठीक है चलो आ जाओ पावर अप कर ले। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है, देखना किस किस तरीके से भाई दौड़ रही है। ये देखो देख रहे हो गाइस किस तरीके से दौड़ रही है भाई ये चुटकू। चलो आ जाओ इसके बाद दूसरा अटैक भी देख लूँ। ये वाला अटैक माइनस में जा रहा है, टंग से मारने वाला जो अटैक है वो भी माइनस में जा रहा है, और गोल गोल घूमने वाला अटैक, वो गोल गोल घूमने वाला जो अटैक है इसका वो भी माइनस में डैमेज दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़े ओरिजिन को बुला के तबाही मचा लेते हैं, देखते हैं इसका डैमेज वगैरह कितना जाता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा ओरिजिन वाला स्पाइनो, ओरिजिन स्पाइनो जो 50 बिलियन इसके हेल्थ है, मेरा बाइट अटैक जो है वो इसके ऊपर पड़ रहा है 4 बिलियन, मतलब जो हाइनाडोन का डैमेज थे ना सेम डैमेज इसका जा रहा है। 40 बिलियन का जो है ना गाइस डैमेज हमारे इस ग्लोटेल का जा रहा है, और जीप वाले अटैक का, जीप तो मार ले भाई, जीप वाले अटैक का भी भाई सेम 40 बिलियन डैमेज जा रहा है। और गोल गोल घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला काफी तगड़ा डैमेज दे रहा है, लगभग 12 या 13 130 बिलियन का डैमेज जो है गाइस हमारे गोल गोल घूमने वाले अटैक से जो है इस स्पाइनो को पड़ रहा है। भाई अभी भागने की कोशिश कर रहा है, अपने मौत से नहीं भाग पाएगा स्पाइनो बेटा, ये ले इसको। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगा, मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी मार देगी, लेकिन गाइस देखना अभी मैं सारे ओरिजिन को बुलाऊंगा और ये सारे के सारे ए टू जेड ओरिजिन को बड़े आसानी से मार देगी गोल गोल घूम के। भले ही गाइस इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है, बट ये ऐसे गोल गोल घूम घूम के ही ना सबकी बाण बजा सकते, गोल गोल घूम के भाई, गोल 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 रिंगा रिंगा रोजे। अबे मेरे को गोल गोल घूमने ही नहीं दे रहे लोग, मर गया। कार्नो मारा भी गया, कार्नो की पेटी भी घूम भाई, ये ले भाई लो, बियर भी मारा गया, रैप्टर भी मारा गया, और अर्जेंटिनिस भी मारा गया भाई, सब मर गए, कौन बचा है, ये अकेला लियो बेटा खत्म। मुझे पता था गाइस कि ये मार देगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये ग्लोटेल इतने ज्यादा जल्दी भाई सबकी प्राण बचा देगी। भाई हमारी इस ग्लोटेल में दम तो है, हाँ भाई मानना पड़ेगा दम तो है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से भाई यहाँ पे बैंड बजा के रख दिया यार इसने तो। लियो बेटा खत्म खत्म, ओ आजू बाजू के पेड़ पौधे भी उड़ा रही है, ठीक है दम तो है इस ग्लोटेल में। देखा गाइस ओरिजिन की बैंड कैसे बजाई, मतलब आज जो हमने तीन यहाँ पे डायनो स्टेम करे उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है गाइस हमारी है फॉलन डिमोनिक ग्लोटेल। इसको मैं भाई घर पे लेके जाता हूँ, और जो तीन डायनोज आज हम लोग ने भाई बोल करे वो तीनों के तीनों डायनोज आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आप बताना कैसे आपको डिमोनिक फॉलन डिओडन, डिमोनिक फॉलन हाइना या डिमोनिक फॉलन हमारी ग्लोटेल, इन तीनों में से कौन सा डायनो सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। ये रहे वो तीन डायनोज जिनको आज के इस एपिसोड में इवॉल्व करने का काम तुम्हारे भाई ने करा, इन तीनों में से आपको कौन सा डायनो पसंद आया जरूर नीचे कमेंट करके बताना। बाकी आज का जो एपिसोड है प्रामुल फिर इंटरडेक्स का वो हो जाता है यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right.
We were so young, we were so dumb, we would get drunk.